हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई की दूसरा एडजस्टमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एडजस्टमेंट दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे देता है तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई से हमें प्रॉफिट नहीं होता है। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई से प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट एक रेंज में फंसा रहे, तो मार्केट कहीं पे भी जाए हम लोग उसमें से भी प्रॉफिट इससे निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड होती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी इस अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने साइट का इस्तेमाल किया, उस स्टॉक मॉक का इस्तेमाल किया है, निफ्टी पे हम लोग काम करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डेट सेलेक्ट की थी उसी डेट पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखोगे तो 2022 के दिसंबर का लास्ट है, मतलब कि जनवरी का जो स्टार्टिंग हो गया प्रीमियम की वो 30 तारीख से हो रही है, शुक्रवार से, तो वही हम लोगों ने सेलेक्ट की है। और हम लोग ने जो लास्ट एक्सपायरी होती है, क्योंकि हम लोग पूरे महीने के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट एक्सपायरी को सेलेक्ट किया है। टाइम हमारा 9:30 का है। तो जैसे आपको पता है कि शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाने के लिए हम लोग को पुट सेल करना होता है और एट द मनी पे कॉल भी सेल करना होता है। और यहाँ पे हम लोग 4 स्ट्राइक बाद पुट को बाई करेंगे और 4 स्ट्राइक बाद हम लोग कॉल को बाई कर लेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बन के तैयार हो गए। हम लोग 2 लॉट पे काम करेंगे, तो लॉट मल्टीप्लायर से यहाँ पे हम लोग सबको डबल लॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा मार्जिन टोटल मान लेते हैं 1.5 लाख का लग रहा है, और यहाँ पे 17,700 का ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है और मैक्सिमम लॉस हमारा 300 का है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको नियम बताए थे, नियम वही रहेंगे। अगर मार्केट हमारा 18,150 के पास आ जाएगा तो हम लोग कॉल से बाहर निकल जाएंगे। अब मान लीजिए अगर मार्केट हमारा 18,550 के पास आ जाता है तो हम लोग इस पुट से बाहर निकल जाएंगे। जिससे भी हम लोग बाहर निकलेंगे वो बाहर हमें तभी तक निकलना है जब तक कि 15 नहीं बच जाते। जैसे ही 15 बच जाएंगे, मतलब 3 बच जाएगा, तो हम लोग जिससे भी बाहर निकले होंगे उसको फिर से दोबारा बाई कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे के लिए अनडिफाइंड रिस्क को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप मैक्सिमम लॉस देख रहे हो वो 2300 है, हम लोग को इसे कम करना है, 0 तक लेके आना है। और जब ये 0 पे आ जाएगा तब मैं आपको आगे बताऊँगा कि हम लोग को कौन सा क्या एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 30-30 मिनट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे यहाँ पे भी हम लोग का मार्केट ख़त्म होने का टाइम आ गया, पर मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब हम लोग 2 जनवरी पे आ गए, आप देख सकते हो। तो हम लोग ऐसे इसको धीमे धीमे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारे 18,150 पे आता है कि नहीं आता है, कि 18,550 पे मार्केट जाता है कि नहीं जाता है। अगर ऐसे बीच में मार्केट अटका रहेगा तो हम लोग कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे, और जैसे हमारी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनी है उसको वैसे ही बने रहने देंगे। तो आप देखोगे ये आज का भी दिन हमारा 2 जनवरी का भी ख़त्म हो गया और मार्केट उसी बीच में ही फंसा रहा है। अब चलिए हम लोग 3 जनवरी पे आ गए, उसको देखते हैं कि यार मार्केट आज की डेट पे कुछ मूवमेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो चलिए यहाँ पे 30 मिनट की जगह हम लोग 2 घंटा करके आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे तो मार्केट में कोई भी खास आज के दिन में मूवमेंट नहीं हुई है। अब हम लोग आ गए 4 तारीख पे आ गए, तो चलिए अब देखते हैं क्या मार्केट में कुछ मूवमेंट आई है कि नहीं आई है। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 18,150 पे आ गया, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे करेंगे कि आखिरकार ये कितने बजे पे आया था। तो ठीक, हम लोग पहले 11 बजे पे आ जाते हैं। आप देखो मार्केट यहीं पे ही टिका हुआ है, +5 करेंगे तो मार्केट हमें 18,150 पे मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको बाई कर रखा है कॉल को, इससे हम लोग बाहर हो जाएंगे। इससे बाहर होने के बाद जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट, अगर मान लीजिए मार्केट वापस यहाँ पे 18,350 पे आ जाता है आधे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब हमें फिर से जल्दी से कॉल को बाई करना होगा। पर मान लीजिए 3 बज जाते हैं तो, और मार्केट यही ऊपर की ओर ही रह जाता है, तब भी हमको कॉल को बाई करना ही होगा। स्ट्रेटेजी वही रहेगी, नियम हमारे वही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको धीमे धीमे मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब हम लोग 15 बजे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे 15:05, हम लोग 15:01 पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे है। मार्केट कहीं पे भी हो हमें तो ये कॉल को बाई करना ही होगा।
अब जैसे ही आप कॉल को बाई करोगे तो आप देखोगे जहाँ पे आपका लॉस 2300 का था वहाँ पे आपका 1120 का हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम लोग अपने लॉस को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो चलिए 30 मिनट करते हैं आगे। हम लोग आ गए हैं 5 तारीख को और हम लोग 9:20 पे जाएंगे। पहले 9:20 पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट हमारा जो ये 18,150 से कम ही चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से अपने कॉल से बाहर निकल जाएंगे। उस कॉल से बाहर होने के बाद हम लोग फिर से मार्केट की मूवमेंट को धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे है, फिर हम लोग अपना दूसरा एडजस्टमेंट को भी सीखेंगे। अब आप देखोगे मार्केट हमारा यहाँ पे चला गया 18,100 पे। हम इसको थोड़ा सा 15 और 5 मिनट करके पीछे करेंगे, देखेंगे कितने बजे पे आया है यहाँ पे 18,000 पे। अब हम लोग इसको 5 5 मिनट करके बढ़ाएंगे। आप देखोगे ये 12:45 पे आया है। तो दूसरा एडजस्टमेंट हमारा यही था कि जो ये हम लोग जो हम लोगों ने पहला शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाया था उसमें जो उन्होंने 4 स्ट्राइक दूर जो एक बाई किया है, चाहे आप पुट ले लो चाहे आप कॉल ले लो, मार्केट जब मान लीजिए यहाँ पे तो ये पुट की तरफ मार्केट बढ़ा था, तो मार्केट जब हमारे जो ये 18,150 के से 150 पॉइंट जैसे नीचे हो जाएगा, आपका कोई मार्केट कहीं पे भी हो सकता है। अभी तो जो अब मैं आपको वीडियो समझा रहा हूँ तो मार्केट 18,150 के पास था, अब वहाँ से 150 पॉइंट कम हुआ है। हो सकता है आपका मार्केट 20,150 पे हो, वहाँ पे आपने पहली शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाई हो और वहाँ पे पुट आपने मतलब 20,150 पे बाई किया हो, वहाँ से जब 150 पॉइंट डाउन मार दे तब आपको फिर से एक नई शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई को बना देना है। जैसे ही यहाँ पे देखिए 150 पॉइंट ये इधर कम हुआ, हम लोग यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई को बना देंगे। नियम वही रहेगा, इधर 2 सेल करेंगे और 1 2 3 4 यहाँ पे 4 के बाद कदम बाद हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 4 चार कदम बाद हम लोग पुट को बाई करेंगे। नियम जैसा पहले था वही नियम रहेगा। ये चीज़ हम लोग को पहले से अपने दिमाग में रख लेनी है कि मार्केट अगर ये अपॉर्चुनिटी देता है तो इसको हम लोग को गंवाना नहीं है। अब वही नियम, मार्केट अगर इधर आएगा तो हम इधर कॉल से बाहर निकलेंगे और मार्केट अगर इधर साइड आएगा तो हम इधर पुट से बाहर निकलेंगे। ये इस वाली शॉर्ट आयरन फ्लाई बटर के लिए नियम है और इसके लिए जो नियम चल रहा है वो चल ही रहा है। तो अभी मार्केट हमारा इसी रेंज में है, इससे बाहर टहल रहा है मतलब इस वाली से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट हमें 15 बजे तक कहाँ तक लेके जाता है। अब आप देखोगे 15:01 हो गया है, अब यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है इसको फिर से परचेज करने का। 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग इसे परचेज कर लेंगे। अभी आप देखोगे हमारा मैक्सिमम लॉस, ये परचेज हमें कब तक करना है और कब तक हमें इस वाली जो ये जो पहली वाली हमारी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई है इसमें से ये कॉल ऑप्शन को हमें कब तक हटाना पड़ेगा। मार्केट अगर देखिए इधर ही साइड की ओर रहता है मतलब नीचे ही गिर रहा है तो हम कॉल ऑप्शन को ही हटाएंगे। ये हम लोग कब तक करेंगे? जब तक हमारा मैक्सिमम लॉस 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट डे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे बढ़ेंगे 9:20 पे जाएंगे। पहले देखेंगे मार्केट की हालत कहाँ पे है मतलब मार्केट किधर साइड है। मार्केट हमने देखा ये हमारे पुट से भाई 18,150 से और दूर है, तो फिर हम लोग उसी कॉल से बाहर निकल जाएंगे। जो 18,550 का हमारे कॉल को बाई किया था हम लोगों ने, इससे बाहर निकल जाएंगे और हम लोग इसको फिर से धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। 30 30 मिनट करके आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 15 बजे तक जाएंगे। अगर मार्केट देखते हैं कहाँ ले जाता है हम लोगों को, अगर मार्केट वापस आएगा तो फिर हम लोग उस समय कॉल को बाई करेंगे, और अगर नहीं आता है तो हम लोग इसको ऐसे ही कैरी करेंगे आगे। आप देखोगे हम लोग 3 बजे पे आ गए, 3:01 पे जाएंगे। हम ये 1 मिनट का एक बफर लेते हैं कि हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग इसको बाई कर लेंगे। अब आप देखोगे हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया है 0, तो अब हमें यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक मार्केट कोई क्लियरिटी नहीं देता है। अब हमारे पास 2 जोन हो गए। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, पहला जोन ये हो गया, ये पहली बार ये दूसरी वाली आपकी बटरफ्लाई है और ये आपकी पहली वाली बटरफ्लाई है। तो पहली वाली बटरफ्लाई का तो आपका जो ये पुट है वो ये चल रहा है,
और दूसरी गली का पुट यहाँ पे चल रहा है। अब मार्केट मान लीजिए अगर इधर साइड जाएगा तो हम इधर साइड के कॉल को हटाएंगे। अब मान लीजिए मार्केट इधर साइड आता है तो हम यहाँ की पुट को हटाएंगे, पहली वाली को नहीं छुएंगे, क्योंकि उसका तो अगर आप देखोगे तो ये पहाड़ बना ही हुआ है, तो हमें इसे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मान लीजिए अगर मार्केट बढ़ते 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 इधर आ जाता है तो फिर हम इस वाली बटरफ्लाई में चेंजमेंट करेंगे और इस वाली बटरफ्लाई में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसे 30-30 मिनट करके आगे बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हम लोग 9 तारीख पे हैं और अभी हमारा जो, अब आप देखो कि मार्केट हमारा आ गया 18,200 पे, इस वाले पे आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे करेंगे, -1 -1 और -15 -15 -15। ये हमें देखना है ये 18,200 पे कितने बजे आया था, तो हम लोग को उतने ही बजे इसमें एडजस्टमेंट करने हैं। अब हम लोग ये देखेंगे 10-20 पे आया था, तब हम लोग यहाँ पे इस पुट को हम लोग अब हटा देंगे। ये है हमारा 17,800 वाला पुट है, तो 17,000 के 800 वाले पुट से हम लोग बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग इसको फिर से 5 5 प्लस करेंगे। अब हमें यहाँ पे 30-30 मिनट करके आगे बढ़ना है। हम लोग ये पुट तभी बाई करेंगे, दो कंडीशन है, या तो यहाँ पे 15 बज जाए या फिर यहाँ पे आपका जो ये मार्केट का प्राइस है ये फिर से 18,000 पे आ जाए। जैसे ही अगर 18,000 पे आ जाएगा तो भट्टे से जाके हम लोग पुट को बाई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये हम लोग 15 बजे पे आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे 15:01 पे जाएंगे और हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 इस पुट को हम लोग फिर से बाई कर लेंगे। बाई करके हमारा मैक्सिमम लॉस 0 ही है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और हम लोग नेक्स्ट डे के लिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट डे जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे मार्केट कहाँ है। मार्केट हमारी इस वाली कॉल पे चल रहा है, फिर 20 मिनट पे जाएंगे, फिर हम इंतज़ार करेंगे भाई या तो मार्केट इसके पास आए, अन्यथा हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। मार्केट हमारे इससे और दूर ही हो गया, पिछली बार इसने इस प्राइस को छू लिया था तो हम लोग बाहर निकल गए थे पुट से। अब हम लोग इसको धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। मार्केट उससे दूर ही हो गया है, अब देखते हैं क्या मार्केट हमारे उस पुट की तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब 17,800 की तरफ आगे बढ़ेगा कि किधर जाएगा। ये हमारा 10 तारीख का भी दिन ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट डे के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट हमें क्लियरिटी दे ही नहीं रहा है और हम अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम लोग काहे बेमतलब का इसमें छेड़छाड़ करें। मार्केट अगर और बाहर भागेगा तब हम फिर और एक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बना देंगे, पर जब तक मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है तो अगर हम चाहें तो आज की भी डेट में अगर हम बाहर निकल जाए तो 7,290 का हमें प्रॉफिट मिलेगा। एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो आपने केवल 4 ही एडजस्टमेंट किए, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम लोग 30-30 मिनट करके आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको पूरा एक्सपायरी तक देखेंगे कि आखिरकार हम लोग इसमें कितना प्रॉफिट गेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 12 तारीख पे आ गए हैं और अभी भी मार्केट की कोई क्लियरिटी नहीं, वो उसी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारा 12 तारीख का भी दिन ख़त्म हुआ है। अब हम लोग 9:20 पे फिर से देख लेते हैं। मार्केट कहीं पे भी नहीं मूवमेंट कर रहा है, वहीं बीच में ही अटका हुआ है और प्रॉफिट हमारा वही 6,000 के आसपास के दिखा रहा है। जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के करीब बढ़ेंगे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत बाहर भी निकल जाए तो भी हमारा कोई खासा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर अभी आप देखोगे आप 8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, आप 7,000 का दिखा रहा है, तो ये हमारा 13 तारीख का भी दिन ख़त्म हुआ और मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। आप देखोगे मार्केट नेक्स्ट डे पे हम लोग 16 तारीख पे आ गए और हमें 8,500 का लगभग प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको इतना इनफ है तो आप अभी भी निकल सकते हो। अब आप देखो आपको 9,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है,
तो आप इतना भी यहाँ से लेके जा सकते हो, वरना आप अभी भी अगर बने रहना चाहते हो तो आप बने रहो। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको लॉस को हम लोग कवर कर लेते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। आप देखोगे हमारा 16 तारीख का भी डे समाप्त हो गया है और हम लोग अपनी एक्सपायरी के नियर पहुँचते चले जा रहे हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ाता हूँ और आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। अब मैं इसको दो दो घंटे करके बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मार्केट है वो उसी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। और आप देखोगे 9790 तक का प्रॉफिट आराम से हो रहा है। हम लोग जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब पहुँचेंगे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग नियर एक्सपायरी लगभग आ ही गए हैं। एक्सपायरी वाले दिन पे हम लोग इसको टाइम को थोड़ा धीमे धीमे चलाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा तब हम लोग वहाँ से एग्जिट करेंगे। इस स्ट्रेटजी को आप इस तरीके से मत सोचो कि मैं केवल प्रॉफिट दिखाने के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रियलिटी में भी आप इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और रियल मार्केट में भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 10690 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग एक्सपायरी डे पे आ गए, तो अगर आप आज की डेट पे भी देखोगे तो 13240 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम लोग बिल्कुल दिन की शुरुआत पे चले जाएं तो 9:16 पे यहाँ पे 11000 कुछ का प्रॉफिट हो रहा था। अब 15 15 मिनट करके भी आगे बढ़े तो आप देख सकते हो 12290 का, 13300 कुछ का, 13300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो कोई इतना प्रॉफिट बुरा नहीं है। हम लोगों ने एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं और ब्रोकरेज भी कोई बहुत ज़्यादा हमारी नहीं घुस रही है। तो अगर मार्केट हमारे हाथ से निकल जाता है, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाया था, मार्केट अगर वहाँ से बाहर निकलता है तो कैसे हमें अपने प्रॉफिट को उधर ला सकते, कैसे हम मार्केट को उसी हम अपने शॉर्ट आयरन फ्लाई को एडजस्ट कर सकते कि हमें मार्केट प्रॉफिट ही दे के जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जब भी कोई भी स्ट्रेटजी बनाइए तो एक निश्चित प्रॉफिट तय कर लीजिए कि भाई मेरे को 12,000 मिल जाए, 20,000 मैक्सिमम दिखा रहे हैं, मेरे को 12 मिल जाए, 13 मिल जाए, 14 मिल जाए, मेरे लिए इनफ है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि अगर आप एंड ऑफ डे जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट उतने प्रॉफिट में निकलो। अभी जैसे देख लीजिए 12,953 का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं एंड ऑफ डे पे प्रॉफिट कितना मिलता है। अगर हम मान लेते हैं कि हम 9:29 पे तो नहीं, हम 9:14 पे भी बाहर निकलते हैं तो सॉरी 15:15 पे भी बाहर निकलते हैं तो हमें 9,000 कुछ का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए जब आपको एक आपके मनचाहा प्रॉफिट मिल रहा हो तो तुरंत आप वहाँ से बाहर निकल जाओ। कभी भी ये मैक्सिमम प्रॉफिट पकड़ने की कोशिश ना करिए कि नहीं मैं तो 20,000 लेके जाऊँगा या 19,000 लेके जाऊँगा। तो ये थी मेरी दूसरी एक एडजस्टमेंट शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई के लिए। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाला था उसमें प्रॉफिट कम होता है, इसमें प्रॉफिट इसका जस्ट डबल है। उसमें अगर आपने देखा होगा 7 से 8 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, इसमें टोटल आपका 13,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है। लॉट हमारी वही है, डे भी हमारा वही है, सब कुछ मैंने इसीलिए सेम ही सेलेक्ट किया है। बस इस स्ट्रेटजी में उसमें थोड़े एडजस्टमेंट ज़्यादा थे, इसमें एडजस्टमेंट कम है। इसमें जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा हम लोग भी उसके साथ अपनी स्ट्रेटजी को मूव करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।